दूसरी एक बात, जिला प्रशासन ने 633 जो कोविड डेथ का आंकड़ा बताया है उससे कहीं ज़्यादा डेथ कोरोना मौत का आंकड़ा ग्वालियर जिले के एक मुक्तिधाम लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम जिसका डाटा मेरे द्वारा उठाया गया 859 मौत है कोरोना से होना और उनका अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन का रूप लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में किया जाना, ये लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम का रिकॉर्ड दर्शाता है। नमस्कार, मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट। पहली लहर जब कोविड की आई थी और तब से लेके आज तक न जाने कितनी डेथ्स हुई, कितने लोगों के घर वाले रिश्तेदार इस महामारी के शिकार हो गए और ना ही जाने कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए। अभी भी ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। मेरे साथ हैं आज व्यापम विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी, जिनका ये दावा है कि जिला प्रशासन ने जो कोविड से डेथ हुई हैं उनके आंकड़े छुपाए हैं। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं इनसे पूरी बात करूंगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। नमस्कार। ये बताइए कि ये जो आंकड़े छुपाने वाली बात आप बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य साबित है? चूँकि मेरे द्वारा जब शुरुआत से ही जिला प्रशासन द्वारा जो कोविड से लगातार हो रही मौतों के आंकड़े दिखाए जा रहे थे, उन आंकड़ों को मेरे द्वारा जब देखा गया और जो भी जानकारी मेरे सामने आई उस आधार पर वो जानकारियाँ और आंकड़े एक दूसरे से तालमेल नहीं खा रहे थे, तो मेरे द्वारा अपने स्तर से इस पूरे मामले की पड़ताल की गई। पड़ताल के दौरान कई सारे चौंकाने वाले तथ्य मेरे सामने आए, जिसमें कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना से जिन अस्पतालों में जो मौतों के आंकड़े दिखाए गए और मेरे पास जो अस्पतालों के मौतों के आंकड़े थे वो आंकड़े कहीं ज़्यादा थे। दूसरी एक बात, जिला प्रशासन ने 633 जो कोविड डेथ का आंकड़ा बताया है उससे कहीं ज़्यादा डेथ कोरोना मौत का आंकड़ा ग्वालियर जिले के एक मुक्तिधाम लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम जिसका डाटा मेरे द्वारा उठाया गया 859 मौत है कोरोना से होना और उनका अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन का रूप लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में किया जाना, ये लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम का रिकॉर्ड दर्शाता है। साथ ही कई अस्पतालों का जो डाटा इनके डाटा से मैच नहीं खाता, जैसे इन्होंने कई अस्पतालों में बताया कि कोविड डेथ से 3 डेथ हुई 2 डेथ हुई और उन अस्पतालों में जब मेरे द्वारा जानकारी सामने ली गई तो उनका डाटा मतलब डबल फिगर में ट्रिपल फिगर में जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं खा रहा। तीसरी एक बात, कोरोना के महामारी के दौरान कई सारे मरीजों को इनके द्वारा कोविड डेथ के सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिसमें कि जिन मरीजों को डेथ सर्टिफिकेट जो दिए गए जिस पर डेथ ड्यू टू कोविड डेथ ऑफ कॉज इनको द्वारा आइडेंटिफाई करके लिखा गया और वो डेथ सर्टिफिकेट इनके कोरोना की डेथ लिस्ट में है ही नहीं उस परिजन का नाम, तो जिससे ये प्रमाणित भी हो जाता है कि वो ऐसे मरीजों को कोविड के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस पूरे मामले की एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर मेरे द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपी गई है, साथ ही उनको तथ्य और प्रमाणों से अवगत कराया गया है। अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन अग्रिम कार्रवाई कर रहा है। तो आपके पास सारे प्रूफ हैं जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि जितनी मौत के आंकड़े हैं, जितनी डेथ्स हुई कोविड की वजह से, वो कम हुई हैं? निश्चित रूप से मेरे पास सारे तथ्य और आंकड़े दस्तावेजों के आधारित हैं। उन दस्तावेजी आंकड़ों को मेरे द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया और दस्तावेजी आंकड़ों को अब प्रशासन झुटला नहीं सकता है। कोविड महामारी में चूंकि आपदा थी, आपदा में जो भी लोग इससे ग्रसित हुए, लगभग मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसके परिचय में कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित ना हुआ हो, एक ईश्वरीय आपदा थी। लेकिन आपदा में जो लोग कोविड से मर गए, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी ये कहता है जीवन जीने के साथ मृत्यु का सम्मान से मृत्यु का अधिकार भी उसके साथ इंक्लूडेड है, लेकिन जो व्यक्ति मृत हो गए कोरोना के कारण, अगर उन्हें मृत्यु की आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही, उनकी मृत्यु को पहचान नहीं मिल पा रही, तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और हनन भी है। इसलिए इस पूरे मामले को मेरे द्वारा उठाया गया है और जिन लोगों की मृत्यु कोविड से हुई है सरकार को उन्हें उनके परिजनों को जो भी कोविड गाइडलाइन में जो भी बेनिफिट मिलने हैं, जो भी क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया में उनको बेनिफिट देना चाहिए और उन्हें कोविड की डेथ में डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, ये पूरे मामले की आपने शिकायत की है अभी तक? हाँ, मेरे द्वारा जिला कलेक्टर को इस पूरे मामले में एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया जिस पर से वो अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। आपने इसकी शिकायत तो कर दी जिला कलेक्टर से, इसके बाद आंकड़ों में कोई कम या कोई वृद्धि हुई है? उसके मेरे द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा जो प्राथमिक तौर पर दूसरे आंकड़े जारी किए गए उसमें 633 के मौत के आंकड़े को बढ़ाकर कुछ अन्य आंकड़े तब्दील किए गए, लेकिन वह भी वास्तविक आंकड़ों से कहीं पीछे। ठीक है, इस पूरे मामले में अब आगे आपके क्या कदम उठने वाले हैं?
अब आगे इस पूरे मामले में जो पूरे प्रदेश, क्योंकि ये आंकड़ों की बाजीगरी पूरे प्रदेश में सभी जिलों में हुई है, इस प्रदेश विभिन्न जिलों की जानकारी एकत्र की जा रही है, और अगर प्रशासनिक स्तर पर इसका समाधान नहीं किया जाता, जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को और मृतकों के साथ न्याय नहीं होता, तो इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। मेरे साथ थे व्यापम विश्वविद्यालय आशीष चतुर्वेदी, जिनके पास पूरे साक्ष्य हैं, सारे प्रूफ हैं, कि जिनके थ्रू ये बता सकते हैं कि सरकार ने कोविड से हुई डेथ्स के आंकड़े छुपाए हैं। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूं अभि वर्मा, नमस्कार, धन्यवाद।